मुट्ठी बंद करके भारत माता की तीन बार भारत माता की जय बोलना। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए माता की, वीर जवानों के लिए माता की, मंत्रिपरिषद में मेरे वरिष्ठ साथी जी, बिहार के मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, भाजपा, जदयू, लोजपा, उसके सभी वरिष्ठ नेतागण, बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महान प्रदेश बिहार और एक महान जनता के हम प्रणाम करता नहीं, प्रणाम करी थी। बिहार के हमारे चाणक्य गुरु गोविंद सिंह जी, सम्राट अशोक, डॉक्टर जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीदों के परिवारों के साथ पूरा देश उनके त्याग को नमन कर रहा है। मैं बिहार की ही संस्था जी और उनकी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार के लिए एक बार फिर बधाई देता। आपने स्वच्छता के प्रति बिहार के ऐतिहासिक आगरा को चंपारण से निकले गांधी जी के स्वच्छाग्रह के प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी बहुत बार बिहार आया। आज वाकई मुझे खुशी होती है।
से कर्मठ खालिस गरीब की चिंता करने वाले व्यक्ति बने, कैसे बिहार को उस पुराने दौर से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी। इस राज्य में इतनी प्रतिभा हो, जहां के नौजवानों में इतना सामर्थ्य हो, जो देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो, उस बिहार को एक भूमर से निकालने का काम नितीश जी और सुशील जी की जोड़ी ने और यहाँ की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया। बिहार में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहाँ विकास की शुरू हो चुका है। सीएनजी आधारित होने वाली, साथ में पटना के लोगों को पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी बिजली मिलने आने दो, आने दो 370 को आने दो। नल से जल देने का प्रयास उठाया है और आप पाइपलाइन से गैस का काम भी होने वाला। ये पटना को बनाने की प्रक्रिया को और गति देने वाला, ये जो बदलाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नीतीश जी, सुशील जी और एनडीए की पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, अनेक अनेक बधाई के पात्र है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प आज सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है। आइए बहनों, बिहार ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा वो और गति पकड़े, इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने निरंतर प्रयास किया। कुछ दिन पहले ही भरौली में 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बिहार के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और झलक है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो, इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईएम या फिर उच्च प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। गांव और शहरों की सड़कों का, यहाँ के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है, उनको सुधारा सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को विश्वगम सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, साथ में इसको उड़ान योजना से भी
गंगा ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहाँ के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। भाई और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है, उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं। और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूँ, आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्र किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है। और यहाँ के रसोई को और यहाँ के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है। साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके चौकीदार ने, आपके चौकीदार ने शुरू की। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ और पसीने की कमाई पर
जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कॉम्पिटिशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आज का ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका एक चौकीदार। और हमारे एनडीए के बदल दीवार बन करके खड़ा है। देश की रक्षा सुरक्षा गरीब वंचित शोषित मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मुश्किल जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो दंगे की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बीते 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जितने ज्यादा गरीबों के जीवन में बदलाव आने का काम किया है ये अभूतपूर्व है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने करीब 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज की सुविधा से जोड़ा। लगभग 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए, लगभग 21 करोड़ को 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा का कवच दिया। लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है। 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर दिया काम दिया मुक्ति दे दी। 1 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया। 1 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी एनडीए की भी सरकार ने दिया। और ये काम भी बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया। साथियों, 2014 से लेकर अब तक का समय देश की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का, जरूरतों को पूरा करने का था। और 2019 के बाद आगे का समय देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। बीते 5 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव एनडीए ने मिलकर तैयार की है। अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सशक्त समृद्ध नए भारत का निर्माण हो।
भाई और बहनों, देश में अगर महान मिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता। इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, नीचे उतारिए ना। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे नीचे करिए ना सर, तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाएं शुरू की। देश में नए नए हाईवे का निर्माण, गांवों तक सड़क का निर्माण, सबको शिक्षा का अभियान, उन्होंने कितनी ही योजनाएं शुरू की। लेकिन कांग्रेस और उनके साथी सरकार में आए तो सारे कामों की रफ्तार धीमी कर दी गई। हमारे नीतीश जी तो खुद गवाह है, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए कितना कुछ किया। लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अनेक योजनाओं को भी कांग्रेस ने 10 साल में आगे नहीं बढ़ने दिया। गंगा पर बने दो पुल इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान